राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की होर्डिंग काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। होर्डिंग में सपा मुखिया अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। दरअसल ये होर्डिंग सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की ओर से लगवाई गई है। वहीं एक दूसरी होर्डिंग में लिखा है, बदला है यूपी बदलेंगे देश, जिसमें अखिलेश यादव साइकिल और सपा कार्यकर्ताओं के साथ आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं और दिल्ली का साइन बोर्ड लगा है। साथ ही इस बैनर में इकाना स्टेडियम, पुलिस हेडक्वार्टर और रिवर फ्रंट भी दर्शाया गया है। बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए जुबानी घमासान के बाद समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग से सनसनी मच गई है। होर्डिंग में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए देश का भावी प्रधानमंत्री बताया है। वहीं दूसरी होर्डिंग को संत कबीर के पूर्व विधायक प्रत्याशी जयराम पांडे ने लगवाया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले समाजवादियों ने नेताजी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी का संगठन है और देश के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश आए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, इसलिए समाजवादी पार्टी और नेताओं की इच्छा है कि अखिलेश यादव देश के अगले प्रधानमंत्री बने। नहीं, अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो सपना समाजवादियों ने नेताजी के लिए देखा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी का संगठन है और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अगर प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी और घोसी में भारी अंतर से हरा दिखाया था। विधानसभा के चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर आदिवासियों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर कर सकते हैं। बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराए देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर नहीं किया जा सकता। गठबंधन ने देश का प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बनाया, तो हम समाजवादी को तो इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में जो चेहरा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाए हराए उत्तर प्रदेश से की सरकार से देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। दावेदारी तो कोई कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बाहर कौन कर सकता है, वो केवल समाजवादी पार्टी है।